बजारो राम राम नमस्कार। उत्तर प्रदेश झांसी जिला के बबीना विधानसभा के अंतर्गत सैयर गांव में मौजूद है। सैयर गांव के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है, जलन कैमरा घुमाओ, जो खम्मा लगो है इतनो बुरी स्थिति में है, देख सका तो जी लाइट के जो तार जा रहा है खम्मन के ऊपर, ये घर के ऊपर जा रहा है, क्योंकि जो व्यक्तिगत मामला नहीं है, जो पूरा खम्मा टूटवे की कगार पे है, चाहे जब घर सकत एक दो पानी गिरे तो जो खम्मा लाइट को ध्वस्त हो जाए, बाके बाद करंट गांव के हर कोने में छूजे, बाके अलावा इतनी समस्या है इस गांव के अंदर, सैयर के अंदर। स्टार्ट करने से पहले जो शिवजी को मंदिर दिखाओ बलिया गौर से, जो शिवजी को मंदिर है कोई किसकी 500 वर्ष पुराना मंदिर है, 360 सीढ़ियां है इसके अंदर, और जो पहले गांव मध्य प्रदेश ओरछा के अंदर स्थित था, तो और आज जो सैयर में है बबीना विधानसभा के अंदर। अब मुख्य मुद्दा पे आएंगे कि आखिरकार जो खम्मा की स्थिति क्या है, क्या नहीं बनी बनी, गांव के लोग मौजूद हैं। दादा का नाम है अपना? प्रकाश यादव। यादव जी, क्या स्थिति है जो खम्मा की स्थिति परिस्थिति का नहीं हो रही सही? अब जी प्रधान का काम है विकास का, प्रधान अपना विकास और गांव का विनाश करने पे तुले। कारण क्या है? कारण ये है कि पैसा चाहिए उन्हें तो गांव से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, पैसा से मतलब अब एक दो पानी गिरे और जो ध्वस्त हो जाए फरका हुई करंट तो पूरे गाँव में फैल जाए, पूरा गांव मर जाए, उनके उन्हें क्या पड़ी, उन्हें तो अपना विकास चाहिए, गांव का विनाश हो जाए। विनाश हो जाए? हाँ विनाश हो ही रहा। आपको क्या कहवा भाई साहब, जाके लावो और का जब से जब लाइट लगी जब से अब तक ना तो लाइट आई जामे ना तो अब तक लाइट आई, जो देख लो का हालत है गांव की, इतनी बुरी स्थिति है। अब कोई लड़का बच्चा करंट लग जाए कुछ हो जाए खेलत करत है जे का करो जे का करो जे जाको जिम्मेदार को तो बताओ भाई साहब का कहवा। अब क्या पता प्रधान की लाकारी है कि बिजली विभाग से है जी, प्रधान बिजली विभाग में कहेगा जभी तो होगा जी। हमने भी प्रधान जी को प्रयास करो फोन लगा से उनसे चर्चा करें, परंतु उनको फोन लगे नहीं रहा, कुल मिलाकर जो पुराना नंबर है लगे नहीं रहा। अब हम ले चला जी को जो मकान बनो उनके मकान पे ये बिजली की डोरियां उनके घर में लटकी है, एडवोकेट हरेंद्र जी के ऊपर। हरेंद्र जी का स्थिति है तुम्हारे द्वारे जो डोरी लटकी, अगर कानून बड़ा हादसा हो जाए तो कुछ जिम्मेवार है? देवेंद्र भाई जी 8-10 दिन हो चुके हैं इसको, ग्राम प्रधान रोज अभी हाल ही निकल गए, वो तो रोज कह रहे हैं कि आज करा रहे कल करा रहे लेकिन वो करा नहीं रहे, और जो सन 2011 से लाइन लगी हुई है तब से इनमें ना तो बिजली आ रही है ना कुछ हो रहा है, यहाँ बहुत सी समस्या। अभी आप देख लो नाली के जो ग्राम प्रधान से ही खुदा हुआ उन्हीं के उसके गाड़ी से है। अच्छा, हाँ जेसीबी से खुदा हुआ है। जताओ तो आप लोग ये जताने जो आप इसीलिए तो जताए जाते कि जो विकास ही ना हो गाँव का। क्या हुआ आखिरकार, जैसे कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए तभी जब प्रधान जी सुनेगा? आप ये तो भाई आप समझदार हो, आप समझ सकते इस चीज को। गाँव के लोग दादा भैया राम राम, अगर जी खम्मा तुम्हारा द्वारा टेढ़ो हो तो चौमा से मैं गिर गिर जाए जी जानवर मर जाए तो नुकसान हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाए। हाँ। सुधार है, प्रधान जी ने कह रही थी गड़वा लो खम्मा, गलत दिन तो होगा चाचा कहानी हो रही सुनो, नहीं कल परसों मिस्त्री आओ से आओ तो। हाँ वो मशीन यहाँ पर ही नहीं था गड़ जाओ। हमारे संग में प्रधान जी मौके पर मौजूद है। प्रधान जी राम राम। प्रधान जी बहुत बड़ी स्थिति है गांव के अंदर, हम आए आप तो बहुत पुराने परिचित हैं, जब आए थे हम काबुलत जब काबुल आपने वो नहीं हो रही थी कुश्ती दंगल, चौमा पानी मानी गिरगा तो खूब भयंकर, पानी गिरगा तो खूब भयंकर। प्रधान जी का सच्चा ये जो पुल का ठीक नहीं हो रहा, अगर कोई जीव जानवर चिपक जाए भाई साहब, हमने जो है SDO से बात कर ली, मैसेज डाल रहा हूँ अब आज की कईयों ने कि हम भेजेंगे स्टाफ को और करवा देंगे, मैंने कहा इधर से करवा दो इसे ताकि ये गिर ना सके, चूंकि ये गड्ढा खुदवाया था पानी के लिए तो नाली का पानी आता है तो ये रोक देते लोग द्वार द्वार में, तो हमने गड्ढा खुदवा दिया, अब वो गीला हो गया तो वो बैठ गया खम्बा, आंधी तूफान चला तो सोचा। प्रधान जी हम चाहेंगे कि जो गांव के लोग इन्हीं के सामने एक बार इन्हें आश्वस्त कर दो आप भी और हम भी आश्वस्त हो जाए कि आकर कर हम नहीं चाह रहे कि जो खम्मा से कौन बड़ी दुर्घटना, क्योंकि एक दो दिन के अंदर चौमासो लग रहा हो, झूठा को पानी गिरने पानी गिर दे तो से नाला भर दे तो ध्वस्त हो जाए वो खम्मा, ध्वस्त हुआ तो करंट समझ लो करंट आ नहीं रहा, अब अच्छा, नहीं वर्तमान में इधर से रुका है करंट, लेकिन खम्बा तो वो शिफ्ट होना ही है,
हमने कल बात की थी एसडीओ साहब से, मैसेज भी डाला था उनके फोन पे कि ये ना कह सकें कि हमारे पास प्रूफ ही नहीं, तो प्रूफ के लिए अपन ने मैसेज डाल दिया। तो फिर उन्होंने आश्वासन दिया जी ना कि हम प्रधान कल भेजेंगे और इसको शिफ्ट करवाएंगे, एक खम्बा और चेंज होना है तो वो करवाएंगे, व्यवस्था में तो लगे हैं अपन। जितना आप जानते हैं हमारा स्वभाव, आपके पीछे कुआ है, कुआ को ध्वस्त करा के हमने पूरी गटर बन नहीं था। जिस प्रधान ने बंद कराया था अपने बूटन की खातर, ये तो हमारी इनकी रंजिश चल रही, मुकदमाबाजी चल रही जमीन की, ये है बात। और ये रजिस्ट्री कराई थी हमने 96 में, वो जी आज तक पेर रहा 25 साल, कोई बर्दाश्त कर लेगा हमारे? चलो चलो चुप रहो, चलो चलो तुम बाद में जाओ। दादा जो बताओ और गांव के अंदर क्या क्या, दादा बस तो मेरी प्रधान जी, और क्या क्या अमी जी तो नहीं बताई तू दादा प्रधान जी, और क्या अपने गांव के अंदर सुख सुविधा बबीना विधानसभा के अंदर? बाकी तो ऐसा है कि अब शासन से सहयोग मिलता रहता है यथासंभव, नाली बन रही उधर बड़ी वाली, पूरे गांव का पानी निकास्त होता है। जैसे अपने गांव में कितने की वोटिंग है प्रधान जी? 2600 करीब वोटिंग। तो जेहते संयर के प्रधान जी यादव जी, इन्होंने आश्वस्त किया गांव वालों को कि खम्मा की स्थिति कछु ही मतलब एक आध दो दिन के अंदर जांच हो चुकी है, आज ही हो जाएगी, जैसी हमको उन्होंने लिखित में दे दी। तो आशा विश्वास करते हैं जो पोल प्रधान जी ने आश्वस्त किया है सही हो जाए। तो जो खबर देख रहे थे संयर से, संयर गांव से, हमारे बीच में प्रधान जी है, खूब समाज सेवी करा, दंगल करा कार्यक्रम होत बिलात गांव के अंदर, दंगल के माध्यम से ही जो गांव प्रसिद्ध है और फेमस है। आशा करते हैं गांव में खूब तरक्की हो, खूब विकास कराए प्रधान जी। राम राम, धन्यवाद, जयराम जी की जय हिंद।